नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बट आज हमारा न्यू चैप्टर है, चैप्टर 14, शब्द और अर्थ, वो पढ़ेंगे। शब्द जैसा कि आपको पता ही है ना, वर्ड, वर्ड से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं, और हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है ना। शब्द और शब्द का अर्थ दोनों चीजें हमें समझनी है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज आपको बता रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि फूल है ना, फूल, सॉरी, मैं आपसे कह रही हूँ कि गुलाब, ठीक है ना, तो एकदम से आप उसका अर्थ समझेंगे कि गुलाब, गुलाब मतलब गुलाब का फूल है ना। अगर मैंने आपसे कहा है कि गुलाब, तो उसका अर्थ क्या होगा, फूल है ना। और अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आम, आम, तो आपके एकदम से क्लिक होगा दिमाग में कि आम मतलब कि फल है ना, आम का अर्थ है फल। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूंगी कि मटर है ना, तो मटर क्या होता है, सब्जी है। आप एकदम समझ जाएंगे कि मैम सब्जी के बारे में कह रही है। तो हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। देखेंगे शब्द पढ़ने से पहले, भाषा में शब्द और अर्थ का संबंध कई रूपों में प्रकट होता है ना। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और उनका संबंध जो है वो कई रूपों में प्रकट होता है ना। कई बार तो क्या होता है, एक शब्द जो होता है उसके कई अर्थ निकलते हैं है ना, कई शब्द होते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं एक शब्द के। जैसे कि अगर मैं कहूँगी कि सूरज है ना, सूरज अगर मैंने कहा है, या मैं कहूँगी कि सूर्य कितना तेज चमक रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सूरज के बारे में कह रही हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से एक शब्द के कई अर्थ होते हैं है ना, और उसके अलावा कोई शब्द है उसका विपरीत अर्थ भी होता है ना, उसका उल्टा अर्थ भी होता है, और एक के कई शब्द भी होते हैं, एक शब्द के कई शब्द भी होते हैं। तो इसी में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, नंबर 1 है पर्याय, ठीक है ना। जहां दो शब्दों का एक अर्थ हो है ना, दो शब्द हैं, दो या दो से तीन भी शब्द हैं, उनका अर्थ केवल एक हो, वे तो हो गए पर्याय। और नेक्स्ट है विलोम, जहां दो शब्द विपरीत अर्थ देते हो है ना, दो शब्द जो है वो विपरीत अर्थ दे रहे हैं, मतलब उल्टा अर्थ दे रहे हैं। और नेक्स्ट है अनेकार्थी, जहां एक शब्द के कई अर्थ हो, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूंगी कि कर, कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब जो कर हम चुकाते हैं वो भी होता है ना। तो आज हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है पर्याय, पर्याय पढ़ेंगे। पर्याय पढ़ने से पहले हम जान लें पर्याय क्या होते हैं। पर्याय वे शब्द हैं जिनका अर्थ समान होता है ना, वे शब्द हैं जिनका अर्थ समान होता है ना, उन्हें हम पर्याय कहेंगे या पर्यायवाची भी कहते हैं, ठीक है। कुछ पर्याय मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। नंबर 1 है हमारा फूल। फूल के और भी पर्याय होते हैं, पुष्प, कुसुम, सुमन, ठीक है। फूल का पर्याय है पुष्प, कुसुम, सुमन। नेक्स्ट है चांद, चांद का पर्याय है चंद्रमा, सोम, शशि, या हम इसे चंद्र भी कह सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा, सोम, शशि। नेक्स्ट है जंगल, जंगल, वन, कानन, अरण्य, ये इसके पर्याय है जंगल के, वन, कानन, अरण्य। नेक्स्ट है बगीचा, बगीचे, बगीचा के पर्याय है बाग, उद्यान, उपवन, है ना। हम ये भी कहते हैं ना कि हम बाग में जा रहे हैं, हम बाग में खेल रहे हैं, यह उपवन कितना सुंदर है ना, इसका मतलब बगीचा। नेक्स्ट है माँ, अम्मा, माता, जननी, ठीक है ना, माँ को हम माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं। नेक्स्ट है जल, नीर, शरीर, पानी, ठीक है ना, पानी और जल तो हम रेगुलर भाषा में बोलते ही हैं, इसके अलावा इसके पर्याय नीर और शरीर भी हैं। नेक्स्ट है रात, रात्रि, रजनी, राका, है ना, रात और रात्रि भी हम जनरल वे में हमेशा बोलते ही हैं। तो बेटा ये कुछ पर्याय हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, कुछ आपके बुक में भी दिए हुए हैं, पेज नंबर 60 और 61 पर, इन्हें भी आपको रीड करना है, ठीक है। अब मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और 5th, ये हम हमारी ऑनलाइन क्लास में करेंगे, तब मैं आपको एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करूंगी या मैं आपको इसका पीडीएफ भेजूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है पर्याय मिला, है ना। वानर, वानर का पर्याय पिता होता है, नहीं। शुरू, नहीं। रवि, नहीं। वानर मिस बंदर, तो इसको हम बंदर से मैच करेंगे। नेक्स्ट है पित्र, पित्र का पिता होगा, पिता से मैच करेंगे। आरंभ मतलब शुरू, इससे मैच करेंगे। और सूर्य मतलब रवि, सूर्य को सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे ईश्वर, ईश्वर का पर्याय है प्रभु, है ना। हम कहते हैं ना हे प्रभु बचा ले मुझे, हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार कर ले, या ईश्वर भी कहते हैं हम कई बार। इसी तरीके से शशि, शशि का चंद्र, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, चांद का शशि और मैंने कहा था चंद्र भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल, जंगल का वन, ओके। फिर हवा, हवा का होगा पवन, ठीक है। तो बेटा ये आपको अपनी बुक में भी फिल करना है और बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे और मैं आपको उसका पीडीएफ भेजूंगी। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी एक बार आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।